गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा, विश्व साइकिल यात्री एक बार फिर आ गया हूँ। अभी हम हैं गाबोन, गाबोन की पहली सिटी में। यहाँ पे हम कल रात को पहुँच गए थे और धनों का सारा स्टफ जो गीला था उसको सुखा लिया था और रेस्ट हो गया प्रॉपर। ये हमारा गेस्ट हाउस था। सुबह के 7 बजे अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, और आज का जो टारगेट है यहाँ से 80 किलोमीटर के बाद में पहला कोई थोड़ा बड़ा सिटी जो है वो दिखाई दिया हमें, तो आज 80 किलोमीटर के करीब राइड करेंगे। और सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिवाली का दिन है, पुरुषोत्तम श्री राम जी आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लाएं, यही शुभकामनाएं है मेरी। तो मेन रोड पे शायद नेशनल हाईवे नंबर 1 है, RN लिखा हुआ है यहाँ पे, RN1 जो गूगल शो कर रहा है, और यहाँ पे गूगल अच्छे से काम नहीं करता यार। ये मेन रोड आ गया और यहाँ पे कॉर्नर पे एक शॉप है जिससे मैंने सिम कार्ड लिया था। ये मेन रोड आ गया। बोंजोर, ये देखिए, ये 78 किलोमीटर दिखा रहा है मोयुल्ला। आज रात को हमारा स्टे जो है मोयुल्ला होगा। अरे वाह, जलपरी बना रखी है इन्होंने तो इस पे। आज भी मौसम जो है बारिश का सा ही है, तो देखते हैं कैसे पहुंच पाएंगे। सारी माँ अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रही हैं और बच्चे खुद भी जा रहे हैं। अच्छा सा एटमॉस्फेयर है ये। इधर कोई प्राइमरी स्कूल होगा और सामने जो है कोई बड़ा स्कूल है। एक चीज़ है, जाने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ ले लूँ। पानी ख़त्म है, भरना है। यहाँ पर पानी अच्छा नहीं है यार, रेन फॉरेस्ट का एरिया है ना, तो पानी बारिश का पानी मिलेगा और यहाँ पर बैक्टीरिया होता है। नो, नॉट दैट मच, टू, ओनली टू। No milk, okay. No yogurt, no milk, no yogurt. ये बड़े बच्चों का स्कूल है। प्रेयर का टाइम स्टार्ट नहीं हुआ शायद, बाहर ही खड़े हैं, अंदर एंट्री नहीं हुई है स्कूल में। काफ़ी क्राउड है यार बच्चों का, तो 500-700 बच्चे तो होंगे यहाँ पे। What टाइप ऑफ मनी यू नीड? कितने बच्चे खड़े हैं ना, ड्रेस भी अपने जैसी है प्राइवेट, नीली और सफ़ेद शर्ट और नीली पैंट। प्राइवेट स्कूलों में पहले लगती थी हमारे यहाँ तो हरियाणा में, उसके बाद में अभी तो पता नहीं कैसी लग रही है। बस ये शहर का एंड पॉइंट था यहाँ पे, इसे बच्चे भी बोल रहे हैं मनी मनी। ये प्रॉब्लम तो पूरे अफ्रीका में ही हो रही है यार, ये टोटल का पेट्रोल पंप आ गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है यार, स्पेशली कॉन्गो में, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में और गैबोन में। ये देखिए, ये एक पेड़ जो है 100 साल पुराना होगा। ये साइज जो है नॉर्मली मिलता नहीं है, तो देखिए इसका डायमीटर ही अपने आप में बहुत बड़ा है। गाबोन में फिर भी थोड़ा डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, अदरवाइज़ कॉन्गो में तो नहीं हो रही है। सिर्फ 4 या 5 लक्कड़ रखे जाएंगे एक ट्रक के ऊपर। कितने ट्रक हैं यार, सब लकड़ी के, पूरी तरह से लकड़ी को धोया जा रहा है यहाँ पे। बड़ा दुख हो रहा है यार इनको देख के, तो कैसे काट लेंगे यार, ये तो सारा जंगल खाली कर देंगे इस तरह। और ये मैक्सिमम चाइना एक्सपोर्ट होते हैं भाई, इंडिया भी एक्सपोर्ट होते हैं पर चाइना बहुत होते हैं। गन्नों के ब्रेक नहीं लग रहे डाउन में, कुछ करना पड़ेगा। दोनों ब्रेक लूज हो गए हैं यार, तो थोड़ा ब्रेक टाइट करें। अभी ये भी कर दिया, पीछे वाला भी और आगे वाला भी। गन्नो इज रेडी। आगे कोई रिवर आ रही है, रिवर का नाम है रेम्बो। आज दिवाली का दिन है, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे यहाँ तो इस बार दिवाली मनाई नहीं जा रही, पर आप सभी को दिल की गहराइयों से दिवाली की शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करते रहोगे। ये पेड़ है जो इन गाड़ियों में भर के लेके जाया जाता है, तो ये टीक की लकड़ी है। अब इसकी एज आप इससे लगा लो अनुमान, यहाँ पर सर्कल बने होते हैं ना, एज ऐसी मापी जाती है। तो नॉर्मली से सर्कल 100 से ऊपर तो मुझे दिख रहा है, ईयर वाइज सर्कल बन जाता है। एक प्रोसेस होता है पेड़ की एज काउंट करने का, तो 100 साल से ऊपर का तो ये पेड़ मेरे को आराम से लग रहा है।
और इसको काटा है। ये ट्रक वगैरह एक्सीडेंट हुआ होगा, ये देखो टूटा हुआ रेलिंग, तो ये सारे इसमें गिर गए हैं। उठाने की भी ज़रूरत नहीं समझते। एक पेड़ जो है लगभग 5-7 लाख रुपए का होगा ये, पर फिर भी इन्होंने उठाया नहीं है। कभी कोई क्रेन आएगी तो उठा लेंगे, नहीं तो यही पड़ा पड़ा गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। इनको उठाने में ज्यादा खर्चा दिख रहा है और नया काटने में इतना खर्चा होगा नहीं। इस देश में अभी तक जो पहला दिन का एक्सपीरियंस था उसको छोड़ दूं मैं, तो आज जो रोड मिला है मुझे लग रहा है ये टोल रोड होगा और किसी चाइनीज कंपनी ने बनाया होगा। तो अभी तक तो टोल नहीं आया, आगे लग रहा है कि कोई ना कोई टोल आ जाएगा। दोनों को यहाँ पे खड़ा किया, यार तेल देना था चैन में, चैन अभी भी बिल्कुल ड्राई है, देखिए कैसी हालत है, ड्राई, बिल्कुल ड्राई है, मिट्टी लगी हुई है। आगे किसी पेट्रोल पंप पे देखूंगा यार। दोनों को यहाँ पे लिटाया है एक बार, स्टैंड तो था नहीं इसका। ये आम का पेड़ है, इस आम के पेड़ से आम लेके आया हूँ, उठा के नीचे गिरे हुए सब खराब हो जाते हैं, ये सब वाइल्ड है, यहाँ पे कोई है ही नहीं, सारा रेन फॉरेस्ट है। उसके आसपास मतलब रोड के साइड में थोड़े बहुत पेड़ लगे होते हैं, अंदर तो डीप फॉरेस्ट है ये। तो मैं सेवन करूँ इनका और उसके बाद में चलता हूँ भाई। नानगा गांव का नाम है, नानगा। नलका लगा हुआ है और कुछ हो ना हो डिसेंटी ना जरूर लगा हुआ होगा। बस 5-6 घर होंगे इसमें, पर एक स्कूल है, अच्छी चीज पता है क्या, स्कूल पढ़ाई पे पूरा जोर दे रखा है इन्होंने, पढ़ेंगे तभी कामयाब होंगे यार, अदरवाइज बहुत पिछड़े हुए हैं, लोग इनका शोषण कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था पीछे डीप फॉरेस्ट था, रेन फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं, और ऐसे डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। अब ये सारे पेड़ काट दिए यहाँ पे, प्लेन कर लिया इसको, अब इसमें पाम ट्री लगा देंगे। ये देखिए इस साइड में लगे होंगे पाम ट्री, ये खेती करने शुरू कर दी। ऐसे डिफॉरेस्टेशन हो जाता है धीरे धीरे करके, प्लांटेशन तो कर रहे हैं पर ये वाली प्लांटेशन और जो रेन फॉरेस्ट की प्लांटेशन में उसमें दिन रात का फर्क है। ये देखिए पाम ट्री, ऐसे ट्री मलेशिया और इंडोनेशिया में देखे थे मैंने, क्योंकि ये जो एरिया है ये इक्वेटर पे चलता है, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास में हूँ मैं अभी, 100-200 किलोमीटर भूमध्य रेखा होगी यहाँ से। बेस्ट वेदर होता है पाम ट्री को लगाने के लिए, टाइम पहले इंडिया ने बैन किया था इम्पोर्ट करने पे। अब ये देखिए ये प्लांटेशन है और ये ओलाम पाम गाबोन, ओलाम एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है। अभी तक मैं किसी इंडियन से या फिर इंडियन ओरिजिन के किसी आदमी से मिला नहीं हूँ, पर मुझे पहले भी जिक्र आया है इस कंपनी का 1-2 बार, काफ़ी बड़ी कंपनी है। ये मेरू का ट्रक भी आ गया, देखिए ये भी इंडियन का है, मेरू ऑयल जो है इंडियन कंपनी है, मतलब इंडियन बेस्ड है। बाना बंजर बंजर या शाबा शाबा Libreville. Olam. Olam Badi. Yeah, I know. That's what I mean. Olam India. India Olam. Okay. बस इतनी बात होती है लोगों से क्योंकि वो ट्रक वाला था उसको भी मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आती। ये बांस का पेड़ है, यहाँ पे बांस बहुत होता है और इस पे चिड़ियाओं ने अपने घोंसले बना रखे हैं बहुत सारे। बारिश होने के बाद में अगर टेम्परेचर 30 डिग्री चली जाए तो क्या हालत हो रही है देखना। खड़ा हूँ तो भी पसीने आ रहे हैं, ये देखिए सड़क पे खड़ा हूँ ना तो भी पसीने आ रहे हैं, तो जलने वाला सा मौसम है। बाकी ये मज़ा है इस रोड पे, ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा ट्रैफिक है, 3-4 मिनट में कोई गाड़ी आती है और कुछ भी नहीं है। मैं मेरी धनो और मेरा तिरंगा मस्ती से राइड कर रहे हैं आज। बारिश आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्या है कि हवा लगती रहती है जब चलते हो तो, अब पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है भाई, पीछे इसमें सीट लगाई हुई है और इस देश की पॉपुलेशन बहुत कम है, आई थिंक बोत्सवाना के इक्विवेलेंट है। ये एक और आ गया ओलाम का, पीछे भाई पुलिस वाले ने रोक लिया और रोक के बिठा लिया, फ़ोन किया कहीं पे भी कि कैमरा चल रहा है इसका। मैंने कहा कि सिक्योरिटी रीजन से मुझे ये कैमरा लगा के रखना पड़ता, आगे वाला कैमरा चल रहा था। फिर उन्होंने अपने ऑफिसर्स को फ़ोन किया, एक्चुअली लैंग्वेज बैरियर, फ्रेंच मुझको आती नहीं है, यहाँ की लोकल लैंग्वेज फ्रेंच है। फिर मैंने उसको रूट मैप बताया, पासपोर्ट के बाकी वीज़ा दिखाए, लगभग आधा पौना घंटा ख़राब कर दिया इन्होंने मेरा। खैर ये तो चलता है, धीरे धीरे से चले जाएंगे। 100-200 मीटर पे 1-2 पेड़ होगा जिस पे से आम टूट टूट के गिर रहे होंगे। कुदरत जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, इन लोगों को खूब दिया है यार। मेरे एरिया में तो मैं आम के पेड़ देखने को तरस जाता हूँ आजकल,
पहले दिख जाते थे कोई कोई, अब तो दिखते भी नहीं है, लोगों ने काट दिए अपने साथ। यार ये किस चीज का पेड़ है? ये फल भी लगा हुआ है इस पे, ये फल है इसके, दूर से लग रहा है सीताफल टाइप का है, अंदर से ऐसा निकला है अंजीर जैसा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है अंजीर है ये बड़ा। आप बताना यार कमेंट करके। बस ये गांव है, चार घर, इसके अलावा कुछ नहीं है गांव में। ये इनका क्रिमिनेशन एरिया है, बीच में गाड़ी खड़ी है, यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस गाड़ी को वहीं खड़ा कर दिया, तो ये भी एक ट्रेंड है यहाँ पे। ये ट्रक है जो लकड़ लेके जाता है, उसको वापसी में ऐसे लोड करके लेके आते हैं, ये ट्रक को पोर्ट पे लकड़ ले जाते हैं, आते वक्त ऐसे खाली लेके आते हैं। लो भाई आज का टारगेट जो है 3-4 किलोमीटर रह गया, 3 बजे ही पहुँच गया, अभी देखता हूँ यहाँ पे कोई गेस्ट हाउस वगैरह। लो भाई मैं पहुंच गया हूं, मैंने होटल ले लिया, ये मेन रोड है, मेन रोड से थोड़ा अंदर आते ही ये होटल है। ये रूम मिला है मुझे, ये रूम मिला है मुझे $13 का, 10,000 सिफा का। अच्छी चीज़ है कि इसमें एसी लगाया हुआ है, एसी की वजह से अब चिपचिप नहीं रहेगी, रात को नींद आ जाएगी, अदरवाइज़ क्या है कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यार। तो अभी मैं मार्केट जाके आ रहा हूँ एक बार। ये यहाँ पे बेकरी है, इस पर बस ब्रेड ले लूँगा, ये तो ये ब्रेड लेके जाऊँ, 3 ये लिया, ये ब्रेड काम है। ये पीछे बेकरी की दुकान है, साथ में पिज्जेरिया भी, पिज्ज़ा भी बनाते हैं। अभी मेरे को बस थोड़ा सा खीरा और टमाटर मिल जाएगा ना तो फिर सैंडविच बन जाएंगे। खीरा मैंने उसको 2,000 और उसने मुझे 1,000 वापस भी दे दिए, और उससे कैडोक को जो है ना उससे मैं खाने पीने की दूध वगैरह निकाल के लाया हूँ। अब मैं वापस गेस्ट हाउस की तरफ जा रहा हूँ, इतना सामान ले लिया। एक्चुअली मुझे यहाँ पे ना पानी भी लेना पड़ रहा है, किसी से पूछो पानी बोतल लो भाई, तो कभी कभी मुझे पानी लेना पड़ता है यहाँ पे। टमाटर, खीरा, दूध और ये दही है, यहाँ पे भी दही लिखा है, तो मेरे को लग रहा है ये कंपनी जो किसी इंडियन की होगी तो उसने दही लिखा है, और एक ये दूध। तो ये सारा मेरा लगभग $12 का आया, तो $12 का मतलब हो गया 1,000 रुपये का, 3 पानी की बोतल, 2 लीटर दूध और 1 किलो दही होगा, 2 खीरे और 2 ब्रेड। ओवरऑल एक्सपेंसिव तो है फूड, तो अभी हम थोड़ा भोजन का सेवन करेंगे, आज दिवाली है, और बाकी अपना एडिटिंग का काम करेंगे। 4:30 के करीब का टाइम हो गया है, तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।